हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रतीक जैन और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी यूजिंग सी प्लस प्लस तो ये इसका फर्स्ट लेक्चर है आई होप ये सीरीज आप पूरी फॉलो करेंगे तो आप अपने प्लेसमेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं हम यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक हर एक टॉपिक uh, को उठाएंगे और उसके हर एक लेवल के क्वेश्चन करेंगे पहले हम इजी लेवल के क्वेश्चन करेंगे उसके बाद इंटरमीडिएट और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपको हर एक टॉपिक में अच्छी कमांड आ जाएगी और आपका धीरे से धीरे लेवल बढ़ता जाएगा तो जैसे कि हम एरे से शुरू करेंगे तो अभी हम कुछ प्रोग्राम्स ऐसे बनाएंगे जो एरे के इजी लेवल पर हैं उसके बाद हम उससे इंटरमीडिएट लेवल पर जाएंगे और उसके बाद हम हार्ड लेवल पर जाएंगे तो अगर आप लोगों का लेवल बिल्कुल जीरो है तो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपसे ये क्वेश्चंस बनने लगेंगे आपको मैं हमेशा ये सजेशन दूंगा कि जब भी आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन को पढ़िए उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम जाएंगे हर एक सीरीज में हर एक वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जो हम अगली बार करने वाले हैं तो जैसे कि आज हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसको कि आपको सॉल्व करना है और फिर आपको उसको सॉल्व करके फिर नेक्स्ट वीडियो देखना है जिसमें कि उसका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड क्वेश्चन दूंगा आपको तो इस तरीके से हम सीरीज को फॉलो करेंगे आप सॉल्यूशन सॉल्व कर लो उसके बाद भी इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मैं आपको हो सकता है कोई नई अप्रोच बता रहा हूं फिर इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करेंगे और कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आपके पास हमेशा मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर रहता है जिसपे कि आप मुझे कॉन्टेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं नाइन ट्रिपल फाइव जीरो थ्री डबल वन थ्री सेवन क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं लेकिन हमें कुछ चीजें प्रॉब्लम करती है जैसे कि हो सकता है कि किसी को सी सी प्लस प्लस में प्रॉब्लम आ रही हो किसी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो किसी को डेटा स्टक्चर सेलगोरिदम जैसे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो या किसी और भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो या फर्दर फ्यूचर गाइडेंस लेना है तो उन सब में ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर में आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके हेल्प ले सकते हो ठीक है चलो तो सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गिवन एन इंटीजर एरे हमारे हमें एक इंटीजर एरे गिवन है मतलब कि मुझे ये एरे गिवन है जैसे कि इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है मान लो जीरो से फिर इंडेक्स वन टू थ्री ऐसे कोई भी हमारे पास ये एरे गिवन हो सकता है और इसका साइज भी कितना भी हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स साइज हो और इसके अंदर कुछ इंटीजर एलिमेंट मौजूद है जैसे कि मान लो कि यहाँ पर फाइव रखा है यहाँ पे ट्वेंटी रखा है यहाँ पे टेन रखा है टू रखा है फोर रखा है नाइन थर्टी फिफ्टीन ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर रखे हैं द टास्क इज टू फाइंड द गिवन एलिमेंट इन द प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट इन एरे और नॉट हमें कोई एक नंबर दिया होगा और हमें वो पता करना है कि वो नंबर हमारे एरे में मौजूद है या नहीं मतलब कि जैसे कि मान लो ये मुझे एरे दिया है इस एरे का नाम ए है और एक नंबर दिया है एन जैसे कि मान लो कि ट्वेंटी तो मुझे सर्च करना है कि ट्वेंटी मेरे एरे में मौजूद है कि नहीं ठीक है या फिर जैसे कि मान लो मुझे कोई नंबर दिया हुआ है लेट से थर्टी तो थर्टी मेरे एरे में मौजूद है या नहीं मुझे ये सर्च करना है और ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर जो मुझे सर्च करना है वो मेरे एरे में प्रेजेंट ना हो ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप लोगों को अगर थोड़ी भी प्रोग्रामिंग आती है तो आप इसका सॉल्यूशन बेहद आसानी से निकाल सकते हो फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझो इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हमें लगता है कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत आसान है ये तो मुझे आता है लेकिन एक्चुअल में वो आपको नहीं आता है उसका कोड आपको याद है उसका कोड आपको याद है इसलिए आप कर पा रहे हो एक्चुअल में आपको वो नहीं आता है तो आपको थॉट डेवलप करवाना है ठीक है तो अब आप सोचो कि अगर मुझे 40 को ढूंढना था तो आपने एक्चुअल में क्या किया आपने एक्चुअल में ऐसा किया ना कि आपने अपने दिमाग में आपका दिमाग बहुत तेज काम करता है आपके दिमाग ने पहले एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक के सारे नंबर को 40 से कंपेयर किया कि ये 40 है क्या नहीं ये 40 है क्या नहीं ये 40 है क्या नहीं ऐसे करते करते आपने लास्ट एलिमेंट तक सर्च किया अगर आपको यहां पर मिल गया फोर्टी अगर मान लो यहां पर आपको फोर्टी मिल गया तो आप यहीं पर ही रुक जाओगे इसके आगे सर्च नहीं करोगे तो या तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा तो आप रुकोगे या फिर आप एलिमेंट नहीं मिलेगा तो आप पूरे एरे में आइट्रेट करोगे आइट्रेशन बोलते हैं अगर मैं पूरे एरे को विजिट कर रहा हूं या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को विजिट कर रहा हूं तो उसको हम बोलते हैं आइट्रेशन करना ठीक है तो इसका कोड कैसे लिखेंगे हम C++ में तो सिंपली सबसे पहले मैं अपना मेन फंक्शन बना लेता हूं और मेन फंक्शन में मैं अपना एरे क्रिएट करता हूं आप चाहो तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हो मैं खुद से इनपुट असाइन कर देता हूं ठीक है तो मैं खुद से अपना एक एरे बना लेता हूं मान लो एट एलिमेंट्स का क्योंकि जीरो से लेकर सेवन तक का मैंने लिया है तो मान लो मैंने एट साइज का एक एरे बनाया और इसके अंदर मैंने यही एलिमेंट्स को मैं इनिशलाइज कर देता हूं फाइव ट्वेंटी टेन टू फोर्टी नाइन थर्टी और फिफ्टीन ठीक है और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा उसके बाद एक और मैं यूजर से नंबर लूंगा कि कौन सा नंबर सर्च करना है जैसे कि मान लो कि यूजर ने एंटर किया फोर्टी ठीक है अब हमें क्या करना पड़ेगा अब मुझे एरे के एक एक एलिमेंट पर विजिट करना पड़ेगा तो मुझे एक ऐसा सोचो कि जब आप बचपन में पढ़ते थे ना तो आप बचपन में कैसे पढ़ते थे उंगली रख कर पढ़ते थे ना कि आप पहली लाइन को पढ़ते थे फिर दूसरी लाइन पे पढ़ते थे फिर तीसरी लाइन पे पढ़ते थे और उंगली रख के क्यों पढ़ते थे उंगली रख के इसलिए पढ़ते थे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वर्ड आपसे मिस हो जाए या कोई लाइन आपसे स्किप हो जाए तो वो आपका जो उंगली था ना वो एक पॉइंटर का काम करता था जो पॉइंट करता था कि कहाँ पे आपको रीड करना है और उस तरीके से आप पूरे प्रॉब्लम को रीड करके अपना आंसर निकालते थे बिल्कुल उसी तरह से एरे के हर एक एलिमेंट को विजिट करना है तो आपके ऊपर उसको ऊपर एक पॉइंटर रखना पड़ेगा और उस पॉइंटर का मान लो मैंने नाम रख दिया आई और आई को स्टार्ट करोगे आप जीरो से आई अगर जीरो होगा तो इसका मतलब कि आप पहले एलिमेंट को चेक करना चाह रहे हो आई की वैल्यू जब वन होगी तो इसका मतलब आप दूसरे इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो क्योंकि इंडेक्स एरे का स्टार्ट होता है जीरो से आप आई की जगह कुछ भी ले सकते हो तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा और आपका एक आई वेरिएबल बनाओगे जो कि स्टार्ट कहां से होगा जीरो से स्टार्ट होगा और वो कहां तक जाएगा वो आपका जाएगा लेस देन एट तक क्यों लेस देन एट तक क्योंकि आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है और सेवन तक जा रही है तो सेवन लेस देन एट तक कंडीशन ट्रू रहेगी एट ही आई की वैल्यू हो जाएगी वो फॉल्स हो जाएगा और यहां पर आप लिखोगे आई प्लस प्लस ठीक है अब बहुत सिंपल है बहुत ही सिंपल है अब यहां पर आप एक कंडीशन लिखोगे कि इफ इफ अगर मान लो कि आपका जो एन है अगर आपका एन इक्वल टू क्या हो जाए अगर आपका एन इक्वल टू ए जाए अब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आप एरे में हर एक इंडेक्स की वैल्यू को चेक कर रहे हो ठीक है मतलब कि पहले आप ए ऑफ जीरो को चेक कर रहे हो क्योंकि आई की वैल्यू जीरो रहेगी तो आप ये चेक करोगे कि ए जीरो पे जो वैल्यू रखी है क्या वो फोर्टी है फिर ए वन पे जो फोर्टी वैल्यू वैल्यू रखी है क्या वो फोर्टी है ऐसे करके आप हर एक एलिमेंट को चेक करोगे कि हर एक एरे के इंडेक्स की वैल्यू क्या वो फोर्टी है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप सीधे प्रिंट कर दोगे एलिमेंट फाउंड और लूप को ब्रेक कर दोगे ठीक है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर प्रिंट कर दोगे एलिमेंट फाउंड है ना एलिमेंट फाउंड प्रिंट कर दोगे और उसके बाद क्या करोगे उसके बाद इस लूप को ब्रेक कर दोगे लेकिन अब मैंने कहा ना कि आपको देखने में लगेगा कि ये बहुत आसान है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी वो क्या अब मान लो कि एलिमेंट नहीं मिलता है तो आप यहां पर ऐसा थोड़ा ना लिखोगे कि एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड अगर ऐसा आपने लिख दिया तो ये तो ऐसा हो गया कि फर्स्ट इंडेक्स को आपने देखा कि वो फोर्टी नहीं है तो आपका इफ ब्लॉक नहीं चला तो आपने एल्स में प्रिंट कर दोगे नॉट फाउंड ऐसा तो होगा नहीं आप जब तक पूरा लूप में चेक नहीं कर देते तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते कि एलिमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है ना जब तक आपका पूरा एरे फिनिश नहीं हो जाता ठीक है अब मान लो कि आपने पूरा एरे फ्री कर लिया आपने पूरा एरे में से विजिट कर लिया आपका पूरा लूप खत्म हो गया और आपको एलिमेंट नहीं मिला तो आप कैसे डिसाइड करोगे बाहर लूप के बाहर कि आपका लूप खत्म हो गया है आप कैसे डिसाइड करोगे आप ऐसा भी नहीं सोच सकते कि अगर आई की वैल्यू एट हो जाएगी तो इसका मतलब कि आपको एलिमेंट नहीं मिला बिल्कुल हो सकता है कि लास्ट एलिमेंट आपको मिला है और आप बाहर आए हो ठीक है ना तो आप इंडिकेटर होता है उसका नाम हम लोग फ्लैग रखते हैं ये कुछ नहीं एक वेरिएबल है आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो ठीक है अब ये एक इंडिकेटर है इंडिकेटर मतलब क्या होता है इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना अब मैंने फ्लैग की वैल्यू जीरो इनिशियलाइज कर दी आप वन भी इनिशियलाइज कर सकते हो टू भी कर सकते हो थ्री भी कर सकते हो जो चाहे आप कर सकते हो यह आपके ऊपर है इस वेरिएबल का नाम भी आप जो चाहे रख सकते हो फ्लैग रख सकते हो एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो ये एक इंडिकेटर का, का काम करता है कैसा इंडिकेटर आप ये कहोगे कि अगर अगर एलिमेंट फाउंड अगर आपने प्रिंट किया है आप ऐसा कहोगे कि अगर एलिमेंट फाउंड प्रिंट किया है तो ये फॉर लूप के बाहर कैसे पता चलेगा क्योंकि जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो आपको ये डिसाइड करना है कि एलिमेंट फाउंड प्रिंट हुआ है कि नहीं अगर स्क्रीन पर एलिमेंट फाउंड प्रिंट हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपको एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट नहीं करना है और अगर एलिमेंट फाउंड स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हुआ है तो उस केस में आपको एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट करना पड़ेगा तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका ये वाला कोड चला है कि नहीं तो यहां पर आप फ्लैग को अपडेट कर दोगे आपने फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दोगे पहले फ्लैग की वैल्यू जीरो थी अगर ये इफ ब्लॉक चलेगा अगर ये if block चलेगा, तभी मेरा फ्लैग वन होगा अगर मेरा इफ ब्लॉक नहीं चलेगा तो मेरे फ्लैग में जीरो ही रहेगा वो वन नहीं हो पाएगा तो इस कारण से क्या होगा इस कारण से ये होगा कि जब मेरा फॉर लूप चल रहा है तो फ्लैग के अंदर जीरो रहेगा लेकिन जैसे ही मुझे एलिमेंट मिल जाएगा तो मैं एलिमेंट फाउंड प्रिंट कर दूंगा और फ्लैग को कर दूंगा वन और लूप ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा अब मैं बाहर यह चेक करूंगा कि अगर इफ अगर फ्लैग अगर फ्लैग नॉट इक्वल टू वन है अगर फ्लैग वन नहीं है मतलब कि अगर फ्लैग वन नहीं है मतलब ये वाला कोड नहीं चला है और अगर ये वाला कोड नहीं चला है इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला है तो अगर मेरा फ्लैग वन नहीं होगा तो ही मैं प्रिंट करूंगा क्या एलिमेंट नॉट फाउंड और नहीं तो फिर ये प्रिंट नहीं होगा इसलिए मैंने कहा था कि हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ जरूर आपको नया सीखने को मिलेगा और लास्ट में आपने अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया तो जरा फिर से समझो फ्लैग की बात कि अगर फ्लैग में जीरो रहा अगर फ्लैग में जीरो रहा तो इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी क्योंकि जीरो नॉट इक्वल टू वन ट्रू हो जाएगा तो एलिमेंट नॉट फाउट प्रिंट हो जाएगा और फ्लैग के अंदर जीरो कब रहेगा फ्लैग के अंदर जीरो तब रहेगा जब ये वाला कोड नहीं चला होगा क्योंकि सिर्फ यहीं पर ही हमारा फ्लैग मॉडिफाई हो रहा है और अगर ये कब नहीं चलेगा ये तब नहीं चलेगा जब मेरे एरे में एलिमेंट नहीं मिलेगा तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा चलो इसको कोड करते हैं तो मैं यहां पर कोड ब्लॉक यूज कर रहा हूं आप डेव डेवसीपीपी कोड ब्लॉक विजुअल स्टूडियो जो चाहे आप यूज कर सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है मैं हर एक कोड का पीडीएफ फाइल और हर एक चीज आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मतलब कि ये जो हमने कोड लिखा है ये जो हमने थ्योरी पढ़ी है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हैंड रिटर्न नोट्स और साथ ही साथ हर एक प्रोग्राम का कोड भी प्रोवाइड करूंगा गूगल ड्राइव की लिंक पे अपलोड करके जिससे कि आपके पास हैंड रिटन नोट्स होगा सारे प्रोग्राम्स का सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होगा सॉफ्ट कॉपी में और इससे आप कभी भी रिवीजन में भी आपको हेल्प मिलेगी बस मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप जो मैं आपके लिए कर रहा हूं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके ठीक है मैं आपसे बस इतना चाहूंगा तो अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं पहले तो किसी एक नाम से तो जैसे कि मैंने हम सीपी का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने एरे नाम से इसको सेव कर लेता हूं सर्च एरे है ना सर्च एरे एलिमेंट डॉट सीपीपी ठीक है इस नाम से मैंने इसको सेव कर लिया अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं सबसे पहले मुझे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखना पड़ेगा उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एस अब आई होप आपको ये एक, एक चीज पता हो कि हम आयो स्ट्रीम ही क्यों लिखते हैं आयो स्ट्रीम डॉट एच क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं कहीं कहीं पर आयो स्ट्रीम डॉट एच लिखना पड़ता है तो ऐसा क्यों होता है एस टी डी नेम स्पेस को क्यों इंक्लूड किया है मतलब यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी क्यों लिखा है रिटर्न जीरो क्यों लिखा है कब ऐसा हो सकता है कि हमें यूजिंग नेम स्पेस एस लिखने की जरूरत ना पड़े अगर ये सारी बातें भी अगर आपको जाननी है तो आपको डिटेल में सी सी प्लस प्लस पढ़ना चाहिए और अगर आपको पढ़ना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके उसका फुल कोर्स भी ले सकते हैं उसमें मैंने एक एक बात बताई हुई है बहुत गहराई से और बहुत डिटेल में कोर्स बनाया है ठीक है तो सबसे पहले मैं अपना एक एरे बना लेता हूं और एरे का मैं साइज दे देता हूं लेट से एट ठीक है आप कुछ भी दे सकते हो चलो एक काम करते हैं टेन साइज का मैं एरे दे देता हूँ आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो ठीक है और मैं इसके अंदर एलिमेंट्स डाल देता हूँ जैसे कि फाइव टेन थर्टी फोर ट्वेंटी ऐसे कुछ भी मैं एलिमेंट डाल देता हूं मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ कोई भी एलिमेंट मैं डाल देता हूँ ठीक है कितने एलिमेंट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन हो गए ठीक है और मैं एक एलिमेंट सर्च करता हूं लेट से जो मुझे सर्च करना है वो एलिमेंट है मेरा अ सेवेंटी एट अब देख रहे हो आप सेवेंटी एट मेरे इसमें नहीं है ठीक है अब मैं यहां पर एक फॉर लूप बनाता हूं और एक और फ्लैग वेरिएबल भी बना लेते हैं ठीक है तो यहां पर मैं एक फ्लैग वेरिएबल बना लेता हूं और फ्लैग में असाइन कर देता हूं जीरो आप जो चाहे अपना लॉजिक चेंज कर सकते हो ठीक है ना हमने एक आई वेरिएबल बनाया जो जीरो से स्टार्ट किया आई लेस देन टेन आई प्लस प्लस और फिर यहां पर मैं लिखूंगा क्या इफ अगर मेरा एन वही वैल्यू है जो मेरे एरे इंडेक्स की वैल्यू है मतलब जिस एरे को मैं चेक कर रहा हूं जिस वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूं क्या ये वही है अगर वही है तो हम यहां पर प्रिंट कर देंगे क्या एलिमेंट फाउंड ठीक है और नहीं तो फिर क्या प्रिंट करेंगे नहीं तो फिर अभी तो पहले फ्लैग को अपडेट भी कर देंगे साथ ही साथ और ब्रेक कर देंगे लूप को तो इससे ब्रेक से क्या होता है ब्रेक से हमारा हम लूप के बाहर आ जाते हैं सीधे उसके आगे का लूप नहीं चलेगा और फिर अगर हम बाहर चेक करेंगे कि अगर मेरा फ्लैग में जीरो रखा है आप ऐसा भी चेक कर सकते हो कि अगर आपके फ्लैग में अगर जीरो रखा है इसका मतलब कि आपका फ्लैग अपडेट नहीं हुआ है तो आप यहां पर बोल दोगे क्या आप यहां पर बोल दोगे एलिमेंट नॉट फाउंड ठीक है एलिमेंट नॉट फाउंड दैट्स इट तो बस अब हम इसको रन करके देख लेते हैं तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ऑब्वियसली अभी प्रिंट होना चाहिए एलिमेंट नॉट फाउंड क्योंकि आपको दिख रहा है 78 मेरे एरे में नहीं है ठीक है तो अगर आप मैं इसको रन करता हूं तो अब देखो यहां पर प्रिंट हो गया एलिमेंट नॉट फाउंड लास्ट की जो दो लाइनें हैं वो कंपाइलर ने प्रिंट करी है हमने नहीं ठीक है तो एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट हो गया अगर मैं 78 की जगह पर मैं 768 कर देता हूं तो अगर मैंने 768 करके अगर मैं इसको रन करूं तो एलिमेंट फाउंड प्रिंट होना चाहिए देखो एलिमेंट फाउंड प्रिंट हो गया तो इस तरह से ये सबसे सिंपल लेवल का क्वेश्चन था आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है वो भी आप देख लो तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है गिवन एन एरे आपको एक एरे गिवन है उसमें से आपको मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट दोनों फाइंड करना है मतलब आपके पास जो एरे है उस एरे का सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम एलिमेंट दोनों फाइंड करना है तो आप ट्राई करो और नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आई होप आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच